आए दिन समाचार में मिलता रहता है कि कहीं बैंक डकैती हो गया, कहीं एटीएम को लूट लिया, तो कहीं एटीएम वाहन को लूट लिया, और या नहीं तो कहीं जो बैंक से निकलते हैं ग्राहक उनका पैसा लूट लिया। लेकिन एक मामला जो प्रकाश में आया वो काफ़ी रोचक है। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के दरभंगा रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे स्टेशन के बगल में एक एक्सिस बैंक का एटीएम है। घटना के कुछ देर पहले ही एटीएम के जो कर्मी हैं उसमें पैसा डालकर किसी और एटीएम में पैसा डालने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में विश्वविद्यालय थाना को एटीएम के जो इंचार्ज हैं उन्होंने विश्वविद्यालय थाना को जानकारी दिया कि एटीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं एटीएम के अंदर से एक युवक को किया गिरफ्तार, वहीं दूसरा युवक हो गया फरार। एटीएम के अंदर से पकड़े गए युवक के पास से एक बैग, दो एटीएम, फेविकॉल, वहीं प्लास्टिक का पत्ती बरामद हुआ। आपको बताते चले कि एक मोबाइल भी बरामद हुआ। आपको बताते चले कि उसने बताया कि उसे जिधर से एटीएम डाला जाता है उसके अंदर उस पत्ती को डाल दिया जाता है, और जब कोई ग्राहक एटीएम लेके उस जाते हैं वहाँ पैसा निकालने के लिए तो उनका एटीएम अंदर में जाता है, सब कुछ तो हो जाता है लेकिन पैसा नहीं निकलता है। ग्राहक को तो ये जानकारी मिलती है कि मेरा पैसा फंस गया, लेकिन उसके बाद जो एटीएम धारक हैं जब निकलते हैं एटीएम से तो वही जो फ्रॉड है उस पत्ती में फेविकॉल लगा हुआ रहता है, और जो पैसा निकासी होता है उस सारा पैसा उस पत्ती में सट जाता है और एटीएम फ्रॉड इसको निकाल लेता है। इसकी जानकारी एटीएम के इंचार्ज ने विश्वविद्यालय थाना पुलिस को दी कि एटीएम के साथ किया जा रहा है छेड़छाड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। उसने बताया कि हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, मेरा दोस्त भी इलाहाबाद का रहने वाला है। पूरा क्या हुआ इस संबंध में पुलिस पदाधिकारी ने क्या कहा, वहीं पकड़े गए आरोपी ने क्या कहा, सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मेरा मामला ये था कि मेरा एक दोस्त था और वो मुझे बोला था मेरे घर में शादी थी, तो बोला कि मैं उसको ले जाने वाला था कि मेरा दोस्त है शादी में, सब लोग साथ में चलेंगे। मैं बैंगलोर रहता था, बोला मेरे साथ में एक दो दिन रहेंगे फिर उसके बाद चल देना। वो एक्सिस बैंक के पास आया एटीएम के पास और मुझे एक बैग दिया था, उसमें पता नहीं वो क्या कपड़े में लपेट के रखा था पत्ती जैसा, वो मेरे उस बैग में से निकाल के और एटीएम में जाके लगाया, और उसके बाद बोला तुम बाहर बैठे ना, कोई आएगा तो बस बता देना मुझे कि हाँ आया। मुझे नहीं मालूम था इस सब के बारे में क्या है कैसा है, इसलिए मैं वहीं बाहर पर बैठा था और कई लोग आए गए, मैं उसको फ़ोन तक नहीं किया था और कैमरे में देखे मुझे कि मैं उसके साथ हूँ, तो मुझे भी उठा कर लेकर चले आए। तो वो दोस्त 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 कहाँ का है आपका? वो इलाहाबाद का है। इलाहाबाद। और आपका घर कहाँ है? इलाहाबाद। तो आप एटीएम के में घुस के छेड़छाड़ कर रहे थे? नहीं, मैं एटीएम को टच तक नहीं किया। तो आप वहाँ क्यों खड़े थे? उसके साथ था। तो वो कहाँ गया फिर? वो पता नहीं कहाँ निकल गया, मैं वहीं बैठा ही था। कितने दिनों से आपकी दोस्ती है उससे? मेरा दोस्ती तो 3-4 महीने से है, बट मेरा यहाँ आना 2-3 दिन हुआ था। क्यों आए यहाँ, क्यों आए थे? बता रहा ना कि मैं बैंगलोर था, मेरे भाई की शादी थी। कहाँ पर? आपके भाई की शादी बैंगलोर में कहाँ थी? बैंगलोर में शादी नहीं, मैं बैंगलोर में जॉब करता था, मेरे भाई की शादी थी, मैं घर जा रहा था, तो ये बोला कि मैं भी बिहार में हूँ, उधर से एक बार चले आओ फिर साथ में चलेंगे दोनों, एक दो दिन मेरे साथ रह लो। वो दोस्त कहाँ का है आपका? इलाहाबाद। आपका पूरा नाम क्या है? जितेंद्र सिंह। पूरा घर कहाँ है? मेरा मांडा प्रयागराज। आप एटीएम में क्या कर रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं उसके साथ पीछे खड़ा था। अब वो पुलिस को देख के भाग गया? वो पुलिस को देख के निकल गया और मैं वहीं पर बाहर बैठा था। सर एक एटीएम फ्रॉड को पकड़े हैं सर, पूरा क्या है जानकारी? उसको यही है कि एटीएम फ्रॉड वाला एटीएम कर्मी द्वारा पैसा लूट करके वह जा रहा था दुनार, और इसी बीच यह जितेंद्र कुमार एटीएम में पैस के प्लास्टिक के सर्जरी प्लास्टिक के टुकड़ा पैसा निकाले वाला जगह पर साथ रहा था। एटीएम कंट्रोल रूम से एटीएम कर्मी को सूचना मिला कि स्टेशन के बगल वाला जो एटीएम है उसको एटीएम को छेड़छाड़ कर रहा है, उस पर वह कर्मी वहां आया, उसको पकड़ा, और तब तक पुलिस को भी सूचना मिला, पुलिस भी पकड़ के उसको लाया गया। उसके पास से क्या क्या मिला? ये एटीएम पर साटने वाला प्लास्टिक का टुकड़ा है 5 पीस, टेप है 1 पैकेट, और मोबाइल है, एटीएम कार्ड 2 है, फेमी कुक है। पूछे
पूछने पर क्या कुछ बताया? पूछने पर तो पूछा कि हम ऐसे पैसा छेड़छाड़ करने के भू से हम निकाल करते हैं। कितने लोग चक्कर रहे कुछ बताया? दो आदमी था। एक आदमी कहाँ चला गया? एक आदमी भाग गया। कहाँ का रहने वाला है? वो भी है इलाहाबाद प्रयागराज। आगे आप क्या कर रहे हैं इसको? इसको हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं, कार्रवाई किया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। सुरेश प्रसाद गुप्ता, एसआई। क्या आपका क्या नाम है? सुरेश प्रसाद गुप्ता पुओनी। कौन थाना? विश्वविद्यालय थाना। अरे क्या ये लगता है कोई हीरो है ये काम कर रहा है दरभंगा में? अभी अंतर जिला राज्य जिला है, दूसरा जिला के आके सब किया है।